एक जगह एक बहन ने कहा कि साहब ध्यान में आप क्या देखते हैं, ध्यान में क्या देखते हैं, किस भगवान को देखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उसमें कुछ देखना नहीं होता है। तो फिर उसने कहा फिर किसका ध्यान करते हैं, प्रायः कई लोग प्रश्न करते हैं। कुछ कहते हैं जब मन शांत होने लगे तो फिर क्या दिखेगा, क्या देखेंगे। जो कुछ भी देखते हैं आँख से देखेंगे तो रूप होगा, नाक से सूंघेंगे तो गंध होगा, जिभ्या से चखेंगे तो रस होगा, कान से सुनेंगे तो शब्द होगा और छुएंगे तो स्पर्श होगा। और ये पांचों चीज तो जड़ है। देख सुन जान और भोग करके ही तो हम सुखी दुखी होते हैं। सुख और दुख का कारण क्या है? अभी जो चर्चा चल रही है मन चंचल ताकि बात, बहुत लोग अधिकतम लोग ये प्रश्न करते हैं मन चंचल है तो ये चंचल क्यों होता है, देख सुन करके ही। और अद्भुत बात है ना, ये प्रकृति हमारे इंद्रियों को बहिर्मुख बनाई है, बाहर की ओर खोला है। आँखों से हम बाहर देखते हैं, कानों से हम बाहर सुनते हैं, गंध बाहर की लेते हैं, रस बाहर की लेते हैं, स्पर्श बाहर से होता है। बाहर से इन विषयों को हम ग्रहण करते हैं, इंद्रियां बहिर्मुख है तो स्वाभाविक रूप से मन भी बहिर्मुख हो जाएगा। उपनिषद में, कठ उपनिषद में बात आई है, प्रांच खानी वितरण शंभु तस्मात् प्रांग पश्यत नान्त्रात्मन कश्चित् धीरः प्रत्येगात्मानम् एक्षत आवरी चक्षुर मितत्वम इच्छन। परांज खानी वितरण शंभु, शंभु ने, प्रकृति ने मनुष्य के इंद्रियों को बाहर फोड़ा है, वितरण फोड़ना बाहर फोड़ा है, इसलिए परांग पश्यत बाहर देखता है, नान्तरात्मन अंतरात्मा को नहीं देखता। प्रकृति ने मनुष्य के इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है इसलिए मनुष्य बाहर देखता है, बाहर जानता है। वो अंतरात्मा को नहीं जानता, अंतरात्मा को नहीं देखता। और जो कुछ भी हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, जो कुछ भी, वह सत्य नहीं है। अद्भुत ये ढंग है, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ जानते हैं बाहर से, वो सत्य नहीं है। सत्य के मूल स्वरूप को हम समझ भी नहीं पाते। सांख्य में कहीं पर आया है, योग दर्शन में ही आया है, गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि प्रथम ऋच्छति यत् तु दृष्टि प्रथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। एकदम पारखी भाषा में कह रहे हैं, गुणानाम परमम रूपम, गुणों के परम रूप को, गुण पदार्थ, इस प्रकृति को त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं, त्रिगुणात्मक जगत कहते हैं।
जगत में और जगत संबंधी प्राणी और पदार्थों में त्रिगुण विद्यमान है। बाहर जो जगत है त्रिगुणात्मक हम कहते हैं, क्यों? रज सत तम ये तीन गुण हैं और इन्हीं तीनों गुणों को आधार बना करके त्रिदेव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसमें कहा गया ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला है, विष्णु पालन करने वाला है और महादेव सहार करने वाला है। तो रजोगुण का प्रतिनिधि ब्रह्मा को माना गया, सत्वगुण का विष्णु को और तमोगुण का शंकर को। तो ये प्रकृति में विद्यमान है सहज रूप में। सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी बनता है, वो रजोगुण की प्रभुत्व से बनता है, रजोगुण की वजह से बनता है, क्रियाशीलता की वजह से बनता है। क्रियाशीलता है तो परिवर्तन भी होता है। अब परिवर्तन के क्रम में अनेक वस्तुएं बनती हैं। तो जो कुछ भी बनना है, जैसे वृक्ष वनस्पतियों का उगना, प्राणियों का जन्म लेना, कोयले पत्थर हीरे आदि का बनना, खनिज तत्वों का बनना, तेल का बनना, ये सब रजोगुण की वजह से होता है। सत्वगुण से पुष्टि होती है, वृक्ष वनस्पति पलते बढ़ते हैं, विकास होता है, प्राणियों का विकास होता है और चीजों का विकास होता है, पत्थर का भी विकास होता है। एक बार हम लोग छोटे थे, एक बिल्कुल घोड़ा के जैसा एक पत्थर था, बहुत छोटा सा था, देखते 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 वो बढ़ने लगा और जब 20 वर्ष के हम हुए तब तक बहुत बढ़ गया। तो उसमें भी वृद्धि होती है। अब प्राणियों का शरीर बढ़ता है, पलता और बढ़ता है, यह तो स्पष्ट है ही। वृक्ष वनस्पति पलते बढ़ते हैं, स्पष्ट है ही। पदार्थों में भी वृद्धि होती है, लेकिन बहुत मंथर गति से होती है। और धीरे 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 ह्रास भी होता है। जो पुष्ट हुआ है उसमें क्षय भी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मकान बना है और भी सारे मकान हैं, धीरे धीरे इसमें क्षय होना शुरू हुआ। बना है रजोगुण के प्रभुत्व से, क्रियाशीलता की वजह से। कुछ अच्छा लगता है, दिख रहा है सत्वगुण से, धीरे 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 उसमें छिड़ता आ रही है तमोगुण से। तो परिवर्तन की धारा में तो सब बह रहे हैं। एक आदमी जवान है, धीरे 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 वृद्ध होता है तमोगुण की वजह से। तो ये प्रकृति, बाहर प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी तीन गुण विद्यमान है। हमारा जन्म हुआ रजोगुण से, रजोगुणवश माता पिता नजदीक हुए और उनसे हमारा जन्म हुआ। सत्वगुण से पुष्टि और शरीर की वृद्धि होती है। तमोगुण की वजह से धीरे 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 शरीर क्षय होता है, बुढ़ापा आने लगती है। ठीक इसी प्रकार ये तीनों गुण हमारे मानसिक जगत में भी विद्यमान होते हैं। इच्छा और क्रिया रजोगुण है, इच्छा और क्रिया रजोगुण है, ज्ञान और प्रसन्नता सत्वगुण है और आलस्य निद्रा आदि ये तमोगुण का प्रभाव है। तो ये तीन गुण मानसिक जगत में भी है। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुण से परे नहीं है, तीन गुण के अंदर है।
और हमारा शरीर भी इस प्रकृति का अंश है, इसलिए तीन गुण रज सत तम, ये तीन गुण हमारे शरीर में भी विद्यमान है, हमारे मानसिक जगत में भी विद्यमान है। इसको और थोड़ा से डीपली समझें, मानसिक जगत को प्राणियों के लिए, तो बच्चा जब पैदा होता है, माँ के कोख से बाहर आता है, तो तीनों गुण के संस्कार उसके अंदर होते हैं। रजोगुण भी होता है, सत्वगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। लेकिन ये गुणों का क्रम क्या है, कोई एक गुण उठा रहता है और दो गुण दबे रहते हैं। और वर्तमान में जैसी संगत सोसाइटी मिलती है, उसके वजह से, उसके प्रभाव से, जैसे संगत सोसाइटी के लोग हैं, जैसे गुण वाले हैं, सतोगुणी हैं तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी हैं तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी हैं तो तमोगुण बढ़ेगा। उसके अंदर खजाना है ही, तीनों गुण का है। हो सकता है कोई गुण अधिक भी हो, लेकिन जैसे संगत सोसाइटी मिलती है, वैसे उसके गुण की वृद्धि होने लगती है। इसीलिए कहते हैं संगत का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई सतोगुणी से सतोगुणी व्यक्ति क्यों ना हो, बराबर रजोगुणी व्यक्ति का संग करेगा तो रजोगुण के प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकेगा। कोई आदमी, कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है, सज्जन भी है, लेकिन बराबर गलत बच्चों के संग में लगेगा तो अपने आप को वो बचा नहीं सकता है, बिगाड़ेगा ही। और धीरे 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 जब होता है ना, जैसे कि गेंद है जीना में, आप छोड़िए, सीढ़ी पर छोड़िए, तो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गिरता है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके खिसकते हैं, जब एकदम नीचे चले जाते हैं तब पता चलता है कि मैं इतना गिर गया। तो ये संगत और सोसाइटी भी हमारे मानसिक जगत के गुणों को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो सत्व गुण बढ़े, ऐसा कुछ कीजिए। जब आप, हम आध्यात्मिक सदग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो हमारा सत्वगुण बढ़ता है। और जब ये रजोगुण की तरफ झुकता है, रजोगुणी पुस्तक पढ़ेंगे, रजोगुणी व्यक्तियों के साथ में मिलेंगे, ऐसे दृश्यों को देखेंगे, ऐसे विचारों को सुनेंगे, तो उधर मन भाग जाएगा। ये मन भी ऐसा पाजी है ना, ये अहंकार करने लायक नहीं है। कब लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि एकदम सत्य प्रधान हो चुका है, अब भटकने का कोई चांस नहीं, लेकिन कहाँ फंसा देगा, कहाँ उलझा देगा, कोई ठिकाना नहीं। कोई आदमी अपने आप को लगता है बिल्कुल मैं साफ पाक हूं जी, मैं ज्ञान वैराग की बातें सुनता समझता हूं जानता हूं, बराबर कुछ दिन मोबाइल में वो नकारात्मक चीज देखना शुरू करे, या ऐसे दृश्यों को देखना शुरू करे, ऐसी चीजों को पढ़ना शुरू करे, वो अपने आप को रजोगुण से नहीं बचा सकता। है ना, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो जो बाहर प्रकृति है त्रिगुणात्मक, वो प्रकृति का असर हमारे मानसिक जगत पर भी पड़ता है। बात तो आई थी कि प्रकृति के मूल स्वरूप को, सत्य को जानने और समझने वाली बात आई।
गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि प्रथम इच्छति यत्तु दृष्टि प्रथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। गुणों के परम रूप को, गुणों के परम रूप को गुण नाम पदार्थ, गुण नाम ये जो प्रकृति है, प्रकृति के मूल रूप परमम रूपम न दृष्टि प्रथम रिच्छति, दृष्टि पथ से उसे नहीं जाना जा सकता। रिच्छति चमकना, वो दृष्टि पथ से चमकता नहीं है। हम पदार्थों के मूल रूप को आँखों के माध्यम से, आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, इंद्रियों के माध्यम से उसे नहीं जान सकते। यत् तो दृष्टि प्रथम प्राप्तम, लेकिन जो दृष्टि पथ से जाना जाता है, तन्मायो सुतुच्छकम, वो माया के समान अत्यंत तुच्छ है, मतलब बहुत स्थूल रूप है, परिवर्तनशील, वो सत्य नहीं है। आंख जिसको आंकती है, रूप का अंकन नहीं है, दृश्य का व्यापार है, दर्शन नहीं। लेकिन ताज्जुब ये होता है, जो सत्य नहीं है, केवल बनावटी है, दिखावे की है, उसी में हम फंस जाते हैं, उसी में हम रिझते हैं। किसी के चमक देखकर, किसी के बाह्य सौंदर्य को देखकर, किसी के बाह्य वैभव को देखकर, रंग रोगन को देखकर, बाह्य उपलब्धि को देखकर, होता है नहीं। और अगर इस पर एनालिसिस करें, चिंतन करें, कुछ भी नहीं ठहरता। राजस्थान में मैं गया था, एक बहन बता रही थी, पहले तो कहे साहब मैं भी बहुत उलझी थी गए, अब जब बोध विचार की स्थिति बनी तो अच्छी स्थिति में है, सर्विस करती है। उसने इशारा करके अपने पति की तरफ कहा, अगर ये आज चले भी जाए ना साहब, मैं चली जाऊं या मेरे पति चले जाएं, या कोई भयंकर रोग भी हो जाए, कुछ नहीं, जो होगा मैं अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट हूं। बड़ा इतना भाव से कही वो, क्या बात है, लगा कि कभी तो हम इतना नहीं खा पाएंगे। और सचमुच में एकदम निस्प्रेह हो करके अपने पति को कह दी कि देखो जो कुछ भी है आपके नाम का, मजाक में कहे साहब मेरा इनके नाम नामनी होता है ना, तो कहे कि मेरा नामनी उनके अकाउंट में वो हैं, उनके पति हैं, और पति की नामनी पत्नी है। तो कहे साहब मैं मर जाऊंगी तो इनको मिल जाएगा, और वो मरेंगे तो मुझे मिलेगा। कभी कभी देखो ना, घर गृहस्थी में भी लोग इतने निष्प्रेहता पूर्वक जीते हैं, क्या पूछना। उन्होंने कहा पहले बहुत मोह लगता था साहब, अब नहीं है। ऐसे लोगों की बात सुन करके भी अद्भुत लगता है, क्या जीवन है भाई, इसी जीवन में वो सब कुछ जी लेते हैं। और हम लोग कई स्तर पर बेवकूफ बने, उलझते रहते। जहां हम ललचाते हैं, जहां हम उलझते हैं, जहां हम फंसते हैं, क्या रखा है? या तो समय की मार पड़ती है, परिस्थिति की मार पड़ती है, तब ठगा सा रह जाते हैं, तब लगता है ठगा गए। वो कहानी याद करें, गुरुदेव जी कहा करते थे,
एक सज्जन था देहाती, वो शहर के एक दुकान में गया। तो आप लोग जानते होंगे बड़ी सिटी में जो शोरूम होता है उसके सामने बिल्कुल स्टैचू खड़ा करके रखे रहते हैं लड़की का लड़के का, और कपड़ा पहना दे रहते हैं, कई जगह तो एकदम हूबहू दिखता है, बिल्कुल जैसे कि जीवंत आदमी खड़ा है ऐसे लगता है। तो एक लड़की की स्टैचू थी, तो वहाँ पर जा करके वो सज्जन बूढ़ा व्यक्ति, उसके पास में कपड़े का दुकान था, तो वहाँ पर जा करके पूछता है कि बहन जी यहाँ धोती मिलेगी क्या, यहाँ धोती मिलेगी क्या। तो फिर वो स्टैचू क्या कहे, तो किसी दूसरे सज्जन ने कहा भैया ये तो स्टैचू है, फिर बताया होगा कि यहाँ नहीं मिलता। फिर वो दूसरी दुकान में गया और संयोग से वहाँ पर लड़की खड़ी थी, तो वो उसके गाल को ऐसे छुआ तो तड़ से उसको लगाए वो। तो पहले जब देखा था और जो पूछा था तब जब समझ नहीं पाए स्टैचू कहे तो अरे धोखा हो गया, उनको लगा धोखा हो गया। अब जब लड़की ने थप्पड़ लगाया ना तब भी कहा कि अरे धोखा हो गया। ऐसे ही हम धोखा खाते हैं जीवन भर और थप्पड़ भी खाते रहते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं। एक आदमी है झटके से समझ लेता है। तो चंचलता का कारण भी यही है कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, मन बहिर्मुख है, और इन बहिर्मुखता की वजह से हम बाह्य चीज़ों को, बाह्य संस्कारों को संग्रहित कर करके उलझते हैं और उसी को ज़्यादा तुल देते हैं और धोखा खा रहे हैं। लेकिन जब ये समझने में आए, हम सजग होने लगे और बाहर का आकर्षण कम होने लगे, वह आकर्षण अपने लिए होने लगे, छांदोग्य उपनिषद में आया है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमेव। यो वै भूमा, भूमा में स्थिरता में सत्य में सुख है, अस्थिर चीजों में नहीं है, अल्प में सुख नहीं है। अब ये समझने में आ जाए तो फिर भटकना ही बंद हो जाए। बुद्ध के संदर्भ में एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कह दूं फिर उसके बाद ध्यान करेंगे। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले साधना पथ पर, वो तो कहा जाता है कि उन्होंने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृत को देखा और सन्यासी को देखा, और उनके उनका हृदय प्रवृत्तन हो गया और वो सब कुछ छोड़ करके निकल गए। तथ्य तो कुछ और है, उनके पास में ऐसी परिस्थिति थी, निश्चित ही इन घटनाओं से उनके चित्त पर असर पड़ा होगा, लेकिन परिस्थितियां, राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग हो गई थी, उनको घर छोड़ना ही पड़ा। लेकिन जब वो घर छोड़ करके बाहर निकले और घोर साधना किए, तपस्या किए, तो उसके पहले ही लगभग राजगीर के पहाड़ में, इस साल मुझे राजगीर जाना हुआ, तो वहाँ पर वो निवास कर रहे थे, तो वहाँ का जो राजा था बिंबसार, तो वो मिलने के लिए आया। वो जानता था, सुधोधन का मित्र था वो, तो उनको पता चला कि जो राजकुमार है सिद्धार्थ, वो घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके आ गया है, मिलने आया।
तो उनको कहा कि कुमार क्या बात है, तुम क्यों घर छोड़ दिए, तुम इस भरी जवानी में युवा अवस्था में घर परिवार को छोड़ करके क्यों आ गए, क्यों ये जंगल की कठिन राह चुन लियो, लौट जाओ, और यदि वहां नहीं लौटना है तो मेरे राज्य में आ जाओ, मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा तुमको देता हूं, अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा, लेकिन ये कठिनता का राह न चुनो। कई बार होता क्या है, लोग इस प्रकार से चर्चा करके लगता है कि हम आत्मीयता जता रहे हैं, हित चिंतक हैं, अपने स्तर पर हैं भी। सिद्धार्थ ने कहा, राजन आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप मुझे राज्य दे देंगे, धन दे देंगे, अपनी पुत्री का विवाह भी कर देंगे, लेकिन क्या आप मुझे दुख मुक्त कर सकेंगे? राजा क्या कहे, चुप। कहे, राजन कहिए, क्या आप मुझे दुख मुक्त कर सकेंगे? तो कहे, नहीं कुमार, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं आपको दुख मुक्त नहीं कर सकूंगा। तो कहे, राजन जब मुझे आप दुख मुक्त नहीं कर सकते हैं तो इन मायावी चीजों में मुझे मत फंसाइए, मैं दुख मुक्ति का उपाय जानने आया हूं, मैं उसके लिए प्रयत्नवान हूं। तो फिर बिंबसार ने हाथ जोड़ दिया और कहा, कुमार आप दुख मुक्ति का उपाय जानने आए हैं, अगर ये उपाय जान लें, दुख मुक्ति का मार्ग आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइए। यही तो चीज है ना, दुनिया में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उससे हम दुख मुक्त थोड़े हो सकेंगे, बल्कि दुख बढ़ने वाला है, उलझन और तनाव बढ़ने वाला है। कई घटनाएं जो इतिहास में घटी हैं इतना मतलब हृदय को झकझोरने वाली हैं, सब कुछ होते हुए छोड़ करके वन की राह लेना और साधनामय तपस्या पूर्ण जीवन जीना और उस उपलब्धि को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। वैसे दुख मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, समझना और जीना, जो राह बताए हैं उन्होंने, जो सोधा है, जो जाना है, वो मार्ग हमारे लिए प्रशस्त है। और कबीर साहब की तो सहज साधना अद्भुत है ही, और यही पथ को जानने और समझने के लिए, जीने के लिए ये शिविर का आयोजन है। आप महसूस कीजिए, समझिए तथ्य को, सत्य को, तथ्यता समझिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। तो वास्तव में बाहर जो कुछ दिखता है, जो कुछ सत्य लगता है, वह है नहीं, बाहर माया का पसारा है, त्रिगुणात्मक जगत है, और उसको उसमें न उलझ करके, माया का खेल समझ करके, मन में जो कुछ आता है वही तो है। तो सजग चित्त से हम देखकर उससे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, और यही ये साधना का क्रम है। तो सभी लोग फिर से ध्यान की अवस्था में बैठें, ध्यान की मुद्रा में बैठें, बिल्कुल इस ढंग से बैठिए, मुझे कुछ नहीं करना है, आप मन को सजेस्ट करिए, ऑटो सजेस्ट कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाइए सहज होकर के।